विवादों में चल रहे यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। शनिवार की सुबह उसने बेतिया के जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण किया है। मनीष पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट के फेक वीडियोस फैलाने के आरोप हैं। इधर पुलिस ने यूट्यूबर के घर पर कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की है। शनिवार की सुबह से ही भारी पुलिस बल मनीष के घर पर पहुंच गई थी। मजिस्ट्रेट की तैनाती में मंजौलिया के डुमरी महनवा गांव में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। सदर एसडीपीओ मुकुल परमल पांडे ने इसकी पुष्टि भी की है। वीडियो में पुलिस ट्रैक्टर पर पलंग, बाइक, कुर्सी समेत घर की दूसरी चीजें अपने साथ ले जाते दिखी है। इधर मनीष कश्यप के सरेंडर के बारे में बिहार पुलिस ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। बिहार पुलिस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, तमिलनाडु में कामकाजी बिहार के निवासियों के लिए असत्य, भ्रामक और उन्माद फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित करने और आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 3/23 और 4/23 के अभियुक्त मनीष कश्यप ने बिहार पुलिस और ईओयू के दबिश के कारण बेतिया के जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण किया। बता दें कि इससे पहले बिहार पुलिस ने 15 मार्च को बताया था कि मनीष कश्यप और उनके साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद उनके गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी भी की जा रही थी। पुलिस ने मनीष के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए थे। उनके खातों में मौजूद 42,11,937 रुपए भी जब्त कर लिए गए थे। बता दें कि तमिलनाडु में प्रवासियों पर हमले का फेक वीडियो फैलाने को लेकर मनीष कश्यप सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर बिहार पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज किए थे। वहीं पश्चिम चंपारण में भी उस पर कुल 7 मामले दर्ज हैं। इनमें से एक केस पर कुर्की जब्ती के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी को लेकर शनिवार सुबह कार्रवाई भी की गई है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।